नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट कुछ वीडियोस से आपको डिफरेंट महादशा में डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की अंतरदशा के फलों के बारे में बता रहा हूं, तो अभी जो चल रहा है वो चंद्र की महादशा में बाकी ग्रहों की अंतरदशा का फल चल रहा है। तो चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतरदशा का फल ऑलरेडी हो चुका है, चंद्र हो चुका है, मंगल हो चुका है, राहु हो चुका है। तो आज हम चंद्र की महादशा में बृहस्पति के और शनि के फल पढ़ने की कोशिश करेंगे कि चंद्र की महादशा हो किसी की कुंडली में और उसमें बृहस्पति की अंतरदशा हो या शनि की अंतरदशा हो तो किस तरह के फल मिलते हैं, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है जो हम लोगों को याद रखना जरूरी है। इसमें बोला गया है कि चंद्र चंद्रस्यांतर्गते वेलाग्नते केंद्र त्रिकोणगे स्वग्रहे लाभगे स्वच्छे राज्य लाभो महोत्सव है। इसमें ये कहते हैं कि चंद्र की महादशा के अंतर्गत यदि बृहस्पति की अंतरदशा हो और वो लग्न से लग्नात केंद्र त्रिकोणगे लग्न से केंद्र भाव में हो, त्रिकोण भाव में हो, स्वग्रहे अपने ही राशि में हो, लाभगे यानी लाभ भाव में हो, स्वच्छे यानी उच्च राशि में हो तो राज्य लाभ होता है और घर में बहुत बड़े महोत्सव होता है। वस्त्र अलंकारम भूषाप्ति यानी वस्त्र और अलंकारों की प्राप्ति होती है, आभूषणों की प्राप्ति होती है। राज प्रीति रधरनागम यानी राजा की प्रीति से या राजा की कृपा से घर में धन का आगमन होता है। इष्ट देव प्रसादेन राजा की कृपा से घर में धन का आगमन, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि आज के डेट में कि हम लोग कैश तो लेंगे कैसे लेंगे, कि ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को इंक्रीमेंट, ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को प्रमोशन या ऑर्गेनाइजेशन से हम लोगों को ऐसी कोई चीज मिलती है जिसमें अचानक धन का आगमन होता है। इष्ट देव प्रसादेने गर्भादनाधिकम फलम इष्ट देव का प्रसाद मिलता है, भगवान खुश होते हैं हमारे ऊपर और गर्भाधान होता है, संतान पैदा हो सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चंद्र की महादशा हो और बृहस्पति की अंतरदशा हो और बृहस्पति अगर लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, उच्च राशि में हो, स्व राशि में हो तो ये सब चीजों की प्राप्ति होती है। वस्त्र अलंकार प्राप्ति होती है, राजा की प्रीति प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति होती है, शोभा कार्य जितने भी होते हैं उनकी प्राप्ति होती है, राजा से धन प्राप्त होता है। राजा श्रयम धनम भूमि गजवा जिसम अंतिम यानी भूमि की प्राप्ति होती है। गज मीन्स बोलते हैं हाथी, हाथी घोड़ों की प्राप्ति होती है यानी कि वाहन की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। महाराज प्रसादेन श्रेष्ठ सिद्धि सुखवाहा महाराज खुश होते हैं आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सीईओ है, आपके जो बॉस है वो आपसे बहुत खुश होते हैं और उससे आपको सुख मिलता है। तो इतने अच्छे फल बताए गए हैं अगर बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र त्रिकोण लगन से केंद्र त्रिकोण और लाभ भाव में बैठा हो, स्व राशि में हो या उच्च राशि में हो। इसके विपरीत फिर वो कहते हैं कि षष्ठा अष्टम्य वे जीवे नीचे वा स्तंगते यदि पाप युक्ते अशुभम कर्म गुरु पुत्रादि विनाशकम। ये क्या चीज है? गुरु पुत्रादि नाशनम यानी कहते हैं षष्ठा अष्टम्य व्यय यानी बृहस्पति अगर छठे आठवें और बारहवें भाव में हो, षष्ठा अष्ट और व्यय छठा आठवां और बारहवें भाव में हो, जीवे जीवे बृहस्पति को बोलते हैं, वो कहते हैं कि बृहस्पति अगर छठे आठवें और बारहवें भाव में हो, नीच राशि में हो, नीचे वा अस्तगते या अस्त हो, पाप युक्ते अशुभम कर्मम पाप युक्ते या किसी पाप ग्रह से युक्त हो, संयुक्त हो, तो गुरु बृहस्पति की दशा में गुरु पुत्रादि नाशनम संतान का नाश होता है बृहस्पति की दशा में। स्थान भ्रंशो स्थान से आपको हट जाते हैं, जहां आप होते हैं वहां से आप हट जाते हैं, आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपका ग्रह और क्षेत्र का आपको छोड़ना पड़ता है, स्वजनों से अकस्मात कलह हो जाती है। तो बृहस्पति महादशा स्वामी ये बहुत ध्यान रखना है, अनैतिक कार्य हो जाते हैं कि यदि बृहस्पति आपका छठे आठवें या बारहवें भाव में बैठा हो या नीच राशि में हो या अस्त हो या पाप ग्रहों के साथ हो तो बृहस्पति की अंतरदशा में अनैतिक कार्य होते हैं, संतान का नाश होता है, स्थान छोड़ना पड़ता है, मानसिक संताप रहता है, स्वजनों से अकस्मात कलह होती है, वस्त्रों आदि का नाश होता है। यदि बृहस्पति महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण या तृतीय एकादश भाव में हो, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि बृहस्पति महादशा स्वामी से, अभी तो हम लगन से बात कर रहे थे कि लगन से छह आठ बारह भाव में हो या लगन से केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में हो, वो वाली बात कर रहे थे हम उसके रिजल्ट्स के लिए। अब ये कहते हैं ऋषि पाराशर
कि जी बृहस्पति महादशा स्वामी से जहां पर महादशा स्वामी बैठा हुआ है उसको लगन बना लीजिए, यदि वहां से केंद्र त्रिकोण या तृतीय या एकादश भाव में स्थित हो तो इस काल में भोजन वस्त्र पशु भात्र सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, पराक्रम की प्राप्ति होती है, राज कृपा से धन की प्राप्ति होती है, सुख संसाधन बढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है कि बृहस्पति को आपको दो चीजों में देखना है। पहली चीज तो बृहस्पति की आपको ये चेक करनी है कि बृहस्पति लगन से केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तब हमको अच्छे फल मिलते हैं, लाभ भाव में स्थित हो तब हम अच्छे फल मिलते हैं, शुभ राशि में हो, शुभ ग्रह की शुभ ग्रह से ग्रस्त हो तब हमको अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन बृहस्पति यदि हमारा छठी आठवें बारहवें भाव में चला जाए लगन से तो हम लोगों को अच्छे फल नहीं मिलते, प्रॉब्लम होती है, धन का नाश होता है, संतान का नाश होता है, स्वजनों से कलह होती है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति दशा स्वामी से, जो दशा स्वामी हमारा है यानी चंद्रमा जिसकी महादशा चल रही है, उससे केंद्र त्रिकोण पर तृतीय एकादश भाव में स्थित हो तो इस काल में भोजन वस्त्र पशु भात्र सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, पराक्रम की प्राप्ति होती है, धन का समागम होता है, सुख की प्राप्ति होती है, राज कृपा से धन की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बृहस्पति का, जो हम लोगों को याद करना चाहिए। इसके बाद बोलते हैं बृहस्पति का, दाय शेदाद विपुरंध्रस्ते व्यय व बल वर्जिते करोति कुस्सी संतानम चाहे विदेश गमनम तथा भुक्ति आदि शोभनम प्रोक्त मंते क्लेश करम भवेत द्वितीय दुनाते चय पय मृत्यु भविष्य विष्यति त्वय दोष परिहारता शिव सांगसक जपेत स्वर्ण दानम इति प्रत्युक्तम सर्व कष्ट निवारकम। यानी ये कहते हैं कि यदि बृहस्पति, ऋषि पाराशर ने यहाँ बोला है कि यदि बृहस्पति महादशा स्वामी से त्रिगत भाव में, अब वही है जैसे हमने पीछे बनाया था कि महादशा स्वामी को हमने लगन बना लिया था, जहां पे महादशा स्वामी बैठा हुआ है उस राशि को लगन बना के हम लोगों ने पीछे देखा था कि वो आपके महादशा स्वामी से केंद्र त्रिकोण में आ रहा है या तीसरे और ग्यारहवें भाव में आ रहा है, वहां हमने चेक किया था कि वो अच्छा होता है। ऐसे ही हमको ध्यान रखना है कि महादशा स्वामी से भी यदि वो छह आठ बारह भाव में स्थित हो जाए, जहां महादशा स्वामी है जिस राशि में, उसको लगन बना के देखिए कि वहां से अगर छह आठ बारह भाव में बृहस्पति स्थित हो जाए और निर्बल हो, कमजोर हो, मतलब अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, नीच राशि में हो, या मतलब आप कह सकते हैं अस्त हो, वहां जाके निर्बल अगर वो हो जाए तो कुभोजन एवं देशांतर गमन जैसे फल प्राप्त होते हैं। कुभोजन मीन्स कि आपको अच्छा भोजन नहीं मिलता और जगह जगह भटकना पड़ता। दशा आरंभ में शुभ फलों की प्राप्ति होती है किंतु दशा के अंत में क्लेश होता है। दशा के आरंभ में ये जरूर है कि थोड़े टाइम शुभ फलों की प्राप्ति होगी लेकिन दशा के अंत में क्लेश ही होगा। तो बृहस्पति यदि लगन से द्वितीय पंचम सप्तम भाव में स्थित हो तो मृत्यु का भय भी होता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर है। यदि बृहस्पति लगन से द्वितीय सप्तम भाव में स्थित हो, क्योंकि मारक भाव होते हैं वो, तो उसके अंदर मृत्यु का भय भी होता है। तो ऐसे पाप प्रभाव के शमन हेतु शिव सहस्त्र नाम का जप करना जरूरी होता है या स्वर्ण दान हितकारी होता है। तो हमारी तीन चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति लगन से केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से संयुक्त हो, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो, एकादश भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है। धन भाव का सगामक, धन का सगामक होता है, वाहन पार की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत यदि बृहस्पति छह आठ बारह भावों में हो, नीच राशि में हो, तो क्लेश होता है, मानसिक संताप होता है, अनैतिक कार्य होते हैं, ये अच्छा नहीं रहता। और इसके बाद यदि बृहस्पति महादशा स्वामी से, जहां पर महादशा स्वामी है उसको लगन बना लीजिए, उसको लगन बना के देखिए कि बृहस्पति महादशा स्वामी से छठे आठवें बारहवें भाव में तो स्थित नहीं है, और यदि वहां पे स्थित है और वो निर्बल होकर स्थित है तो ऐसी स्थिति में देशांतर गमन जैसे फल प्राप्त होते हैं, जगह जगह भटकना पड़ता है। और ऐसा ये भी हो सकता है कि बृहस्पति अगर लगन से द्वितीय या सप्तम भाव में स्थित हो तो मृत्यु का भी भय हो जाता है। ऐसे केस में शिव सहस्त्र नाम का जप करना जरूरी है और स्वर्ण दान हितकारी। तो ये बृहस्पति की दशा के बारे में था, चंद्र की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा का फल। आशा करता हूँ आपको समझने आया होगा, समझना आया तो काइंडली कमेंट्स कर सकते हैं। और ये भरत पाराशर और शास्त्र का है, कहीं से भी उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, वह भी मिल जाएगा आपको। और ये साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपना एक बैच स्टार्ट किया है, फरवरी से स्टार्ट होना है हमारा एक बैच पढ़ाई का। तो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं वो अपने को एनरोल करा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, नमस्कार।